डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें मैंने एस के गर्व की बुक जो है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की, उसमें एंड चैप्टर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के एंड में हर एक चैप्टर के, वो कवर किए हैं। और इसी के साथ में मैंने आईएएस के पीवाईक्यूज कवर करे हैं 1995 से लेकर 2023 तक के। इसमें असर्शन और रीजन वाले एमसीक्यूज हैं वो मैंने स्किप किए हैं, क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यूज हैं वो एज ए में जनरली नहीं पूछे जाते। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए है कि एनारोबिक मेथड होता है जो मैकेनिकल कंपोस्टिंग का, वो कौन सा मेथड है, कौन से नाम से जाना जाता है उसको। तो इंडिया में कंपोस्टिंग के दो मेनली मेथड हैं, एक होता है बेंगलोर मेथड जो कि एनारोबिक मेथड है, दूसरा होता है इंदौर मेथड जो कि एरोबिक मेथड है। बेंगलोर मेथड में क्या करते हैं, पीट्स में हम कंपोस्टिंग को कैरी आउट करते हैं। अल्टरनेट लेयर होती है, एक होती है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की लेयर, एक होती है नाइट सॉइल की वेस्ट लेयर। पिट को कम्प्लीटली फिल करते हैं, इसके बाद फाइनल सॉइल की लेयर उस पर डाली जाती है ताकि फ्लाई की ब्रीडिंग ना हो, रेन वाटर उसमें ना एंटर हो, जो भी हीट अंदर रिलीज हो रही है उसका यूज हो पाए, कंजर्व हो पाए वो। और इसको 4 to 6 मंथ तक इसी तरीके से डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो स्टेबलाइज्ड मटेरियल है उसको एज ए कंपोस्ट हम यूज़ कर लेते हैं। तो एनारोबिक होता है बेंगलोर मेथड, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि ऐसा रिदमिक सा बन रहा है N1। तो एनारोबिक बेंगलोर, एरोबिक होता है इंदौर मेथड, जिसको हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हो गया आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए हैं कि रिफ्यूज डिस्पोजल का कौन सा मेथड है जिसमें कि हम बरी करते हैं ट्रेंचेज में सॉलिड वेस्ट को। तो ये कंपोस्टिंग होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। कंपोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल पोर्शन होता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का, उसको एरोबिक कंडीशन में डिग्रेड कराया जाता है। रिफ्यूज टर्म इसमें यूज़ की गई है, तो रिफ्यूज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को ही बोला जाता है। इसमें हजारडेस सॉलिड वेस्ट को नहीं कंसिडर करते, नॉन हजारड सॉलिड वेस्ट ही इंक्लूडेड होता है, और ये बना होता है रिफ्यूज गार्बेज और रबिश से, जिसमें गार्बेज में हम कंसिडर करते हैं जो डिकम्पोजेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, फूड वेस्ट हो गया, फ्रूट्स की पीलिंग हो गई, वेजिटेबल्स की पीलिंग हो गई, ये सब। और रबिश होता है ड्राई मटेरियल जैसे कि ग्लास पेपर की कटिंग, क्लॉथ्स, वुड, जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होते। उसी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिए है कि मैकेनिकल कंपोस्टिंग का एरोबिक मेथड है, इसको इंडिया में किस नाम से जानते हैं। तो इसको इंदौर मेथड बोला जाता है। इसमें भी बेंगलोर मेथड में करते हैं वैसे ही, अल्टरनेट लेयर होती हैं सिमिलर थिकनेस की, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट और नाइट सॉइल की, बट इसमें एरोबिक कंडीशंस एंश्योर की जाती हैं, और इसके लिए एक स्पेसिफिक इंटरवल में इसको टर्निंग की जाती है जो सॉलिड वेस्ट है उसकी, और 60 सेंटीमीटर की स्ट्रिप एक लॉन्गिट्यूडनल साइड है जो पिट की, उसमें वैकेंट रखी जाती है। टर्निंग के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट टर्निंग की जाती है वो मैनुअली की जाती है, जिसमें लॉन्ग हैंडल्ड बहुत बड़े हैंडल की रैक्स होती हैं, 4 to 7 days बाद करते हैं वो फिलिंग के, फर्स्ट टर्निंग। और सेकंड टर्निंग करते हैं आफ्टर 5 to 10 days, और फर्दर टर्निंग इसकी नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होती है, और जो ये सॉलिड वेस्ट है ये 2 to 4 weeks में डिकम्पोज हो जाता है। तो होगा इंदौर मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सैनिटरी लैंडफिल्स हैं ये कौन से वेदर में ट्रबल कॉज करते हैं। तो मानसून में ट्रबल कॉज करते हैं ये, क्योंकि जो डंप्ड गार्बेज है लैंडफिल में उसमें हार्मफुल और कार्सिनोजेनिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। जब एक्सेस वाटर है वो सीपेज होके जाता है उस एरिया में, और जो डंप से बाहर निकलता है तो ये कलर्ड लिक्विड के जैसे होता है, और उसको लिसिट बोला जाता है। ये हाईली पॉइजनस होता है और पोल्यूटेड होता है, क्योंकि जो भी उसमें कंटामिनेशन था लैंडफिल के अंदर इसने सारा अपने अंदर डिजोल्व कर लिया, और अब ये उसको कैरी कर रहा है अपने साथ में, और ये वाटर पर डीपरकोलेट होकर वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि ये जो अंडरग्राउंड में जो ग्राउंड वाटर है उसको कंटामिनेट कर सकते हैं लैंडफिल्स। हालांकि सैनिटरी लैंडफिल्स हैं ये, लैंडफिल जो प्लेन लैंडफिल है उसके कंपैरेटिवली साइंटिफिक वे है सॉलिड को डिस्पोज करने का। इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो लैंडफिल की साइट है उसका बॉटम और साइड्स है वहाँ पर लाइनिंग की जाए एक इम्परमेबल मटेरियल की, लेकिन फिर भी क्रैक्स वगैरह हैं, लाइनिंग प्रॉपर नहीं है, तो इश्यू ज़्यादा होगा वो मानसून सीजन में होगा।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि लीचेट है या कलर्ड लिक्विड है जो किससे निकलता है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि जब वाटर रेन वाटर अंदर एंटर कर जाता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है, गैसेज हैं जो डिकम्पोजिशन हो रहे हैं, उसके लिक्विड्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे वाटर के साथ में डिजोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और ये कलर्ड लिक्विड के जैसे बाहर निकलते हैं लैंडफिल से, इनको लीचेट बोला जाता है। इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, टोलुइन, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो बी होगा सैनिटरी लैंडफिलिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है कि रिफ्यूज़ की कितनी क्वांटिटी है वो एवरेज इंडियन सिटी और टाउन में प्रोड्यूस होती है। तो आंसर इसका 1/4 to 1/5 होगा। ये बुक का क्वेश्चन है, एसके गर्ग का, और इसमें काफ़ी पुराना डेटा है। तो इस लेक्चर के लास्ट में मैंने एक स्लाइड ऐड की है जिसमें मैंने रिसेंट जो डेटा है सॉलिड वेस्ट का वो इंक्लूड किया है, तो वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में दिए है कि कौन सा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड है वो इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल है। तो सैनिटरी लैंडफिल्स जो होते हैं उनमें हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि फाउल गैसेस निकलती हैं, लीचेड के इश्यू होते हैं रेनी सीजन में, इनसिनरेशन हम जो करते हैं बर्निंग करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसमें भी हार्मफुल केमिकल्स और गैसेज निकलते हैं, वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, पायरोलिसिस जो होता है उसमें भी एयर पोल्यूशन होता है जो कि इम्पेक्ट करता है एनवायरमेंट को, जबकि कंपोस्टिंग है वो एक ऐसा मेथड है जो कि स्लो तो है थोड़ा, बट इसमें हम बैक्टीरिया की हेल्प से सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज कराते हैं। तो ये परफेक्टली नेचुरल फिनोमिना है और ये सबसे कम बर्डन देता है इकोलॉजी को, तो कंपोस्टिंग हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर एट में दिया है कि सॉलिड वेस्ट है उसको अगर डिस्पोज नहीं करते हैं तो कौन सी बीमारी है वो स्प्रेड हो सकती है, कौन सी डिजीज। अगर हम सॉलिड वेस्ट को ओपन में छोड़ दें तो क्या होगा, जो भी बायोडिग्रेडेबल मैटर है उसका बायोडिग्रेडेशन होगा, जिससे फाउल स्मेल होंगी, इंसेक्ट्स हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और ये इंसेक्ट्स हैं ये फूड होते हैं फ्लाइज के, जो मक्खियाँ होती हैं, तो इंसेक्ट्स हो गए तो फ्लाइज आएंगे इनको खाने के लिए, और ये फ्लाइज जो होती हैं ये प्राइम कैरियर होती हैं डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज के, जैसे कि डिफ्थीरिया, टाइफाइड। तो सॉलिड वेस्ट अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो फ्लाइज की वजह से टाइफाइड है उसके होने के चांसेस हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में दिया है कि वेल कॉम्पैक्टेड म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है लैंडफिल में, तो इसकी टिपिकल डेंसिटी कितनी होती है। तो ये 600 to 750 होती है, तो सबसे क्लोज जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर टेंथ में दिया है कि नीचे जो ऑप्शंस में दिए हैं उनमें से कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम एज ए सीलेंट यूज़ कर सकते हैं ताकि गैस का और लीचेट्स का मूवमेंट ना हो। तो बायोलॉजिकल डीके होगा जब सॉलिड वेस्ट का, तो लिक्विड्स और गैसेस बनेंगी, और ये लिक्विड अगर डी परकोलेट करती हैं तो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकती हैं। इसको रोकने के लिए हम बेंटोनाइट और बुटाइल रबड़ जो है इनको एज ए सीलेंट यूज़ करते हैं ताकि कोई भी गैस और लीचेट का मूवमेंट लैंडफिल से ना हो, तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि लिस्ट वन में मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल दिए है और लिस्ट टू में उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, हमें मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू को। लिस्ट वन में दिया इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट है पहले इसको ड्राई किया जाता है और उसके बाद इसका कम्बस्टन किया जाता है, तो इसमें एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी थ्रू आउट द प्रोसेस, तो इसकी ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई होगी। तो ए का होगा 3। सैनिटरी लैंडफिल है, इसमें डंप कर देते हैं वेस्ट को लेयर्स में और उन लेयर्स को प्रॉपर कॉम्पैक्ट करते हैं, तो कॉम्पैक्शन के लिए हम ट्रैक्टर का एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, तो सैनिटरी लैंडफिल का होगा ट्रैक्टर। सी में दिया कंपोस्टिंग, तो सॉलिड वेस्ट में है उसमें वो मटेरियल एक्सक्लूड कर दिया जाए जो कि डिकम्पोज नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक, लेदर, रबड़। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट है उसको एरोबिकली या अनएरोबिकली डिकम्पोज कराया जाता है, तो इस प्रोसेस में प्री सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी और बीच बीच में टर्निंग करनी पड़ेगी कंपोस्टिंग के लिए जो सॉलिड वेस्ट है उसकी। तो सी में होगा 1 और डी में दिया सॉल्वेज बाय सॉर्टिंग।
तो साल्वेज बाय सॉर्टिंग में क्या होता है, जो भी वेस्ट है उसमें से सेपरेट कर लिया, जैसे प्लास्टिक को अलग कर देंगे, यूजफुल मेटल्स हैं उनको अलग कर देंगे, और उसके बाद उनकी कुछ वैल्यू होगी मार्केट में, जो कि पुराने पेपर से रद्दी वाले को देते हैं। बट ये लिमिटेड है स्पेशल वेस्ट और सेलेक्टेड मटेरियल्स के लिए। तो डी का होगा 2, तो ऑप्शन सी है वो मोस्ट एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 12th में दिए है कि कंपोस्टिंग का एरोबिक मेथड कौन सा है जो कि इंडिया में यूज होता है, तो ये इंडोर मेथड होता है, पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं हम डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 13 में दिए है कि सॉलिड वेस्ट है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, किस किस कैटेगरी में करते हैं हम। तो सॉलिड वेस्ट जो है वो इंक्लूड करता है सारा सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल जो कि किसी कम्युनिटी ने डिस्कार्ड किया है, जैसे आपने अपने घर में जो भी वेस्ट था जो सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है, जैसे पेपर्स हो गए पुराने, किचन का वेस्ट हो गया, ये सब। अभी सॉलिड वेस्ट अगर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें तो उसमें इंक्लूडेड है डोमेस्टिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़ का जो वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का वेस्ट है उसको इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, और कोई ऐसे हैजार्डियस वेस्ट है जिसे सब्सटेंशियल डेंजर है प्लांट को, एंड ह्यूमन लाइफ को, एनिमल लाइफ को, जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, केमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट है, फ्लेमेबल वेस्ट है कोई। तो इसलिए 3 हो गई कैटेगरी, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल और हजारडियस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए है कि नीचे जो मेथड्स दिए हैं उनमें प्लास्टिक और रबड़ के डिस्पोजल के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। तो कंपोस्टिंग में तो हम अर्थ सरफेस के नीचे बरी करके कंपोस्टिंग कराते हैं सॉलिड वेस्ट की, तो प्लास्टिक और रबड़ तो कंपोस्टिंग तो नहीं हो सकती इसकी, ऑर्गेनिक मैटर की करा सकते हैं हम कंपोस्टिंग। सेनेटरी लैंडफिल में भी डंप करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे उसमें ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के चांसेस हैं। अब दो ऑप्शन बचते हैं, इनसिनरेशन और पायरोलिसिस, हमसे बेस्ट पूछा गया है। तो थ्योरेटिकली तो इनमें मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इनसिनरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग की जाती है, और पायरोलिसिस में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हाई हीट से ट्रीट करते हैं हम। बट ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट और एब्सेंट होने के कारण इतना ज़्यादा इफेक्ट आता है इनके फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिलता है प्रोसेस के बाद। इंसिनरेशन में तो हमें हीट एनर्जी मिलती है जिसको हम पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, इनर्ट गैसेस निकलती हैं कुछ और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो भी सॉलिड वेस्ट है वो। बट पायरोलिसिस है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती इसलिए बर्निंग नहीं होती है उसकी, इसमें हम हाईली एलिवेटेड टेम्परेचर रखते हैं और प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, तो इससे जो सॉलिड वेस्ट है उसका पूरा फिजिकल फेज और केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें हमें बायोफ्यूल मिलेगा, चारकोल मिल सकता है, और ये डिपेंड करता है कि कैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। आप पायरोलिसिस को उससे रिलेट कर सकते हो जैसे कि क्रूड पेट्रोलियम मिलता है हमें ग्राउंड सरफेस के नीचे, और ऐसा माना जाता है कि काफ़ी टाइम पहले कुछ बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया रहा होगा, प्लांट्स रहे होंगे जो कि अर्थ सरफेस के नीचे बरी होने के कारण काफ़ी सालों के बाद वो टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस थी उसके कारण वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही एक नया प्रोडक्ट मिलता है पूरा का पूरा, जिसमें कि ऑयल्स हो सकते हैं जिनकी हाई एनर्जी वैल्यू होती है, गैसेज हो सकती हैं, चारकोल मिलता है जो कि यूजफुल होता है हमारे लिए। तो इनसिनरेशन और पायरोलिसिस है, इसमें पायरोलिसिस बेस्ट रहेगा, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक सॉलिड वेस्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें नाइट सोयल है 35 टन, रबिश है 40 टन, डेबिट्स हैं 25 और गार्बेज है 40। पूछा है इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स कितना है टोटल। तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स वो मटेरियल है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, वो या तो हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। डेबिट्स है ये जो डिमोलिशन वर्क होता है उसका जो वेस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क का जो वेस्ट होता है ये सब होता है। नाइट सोयल होता है ह्यूमन एक्सक्रेटा। गार्बेज होता है वो सारा टाइप का सॉलिड वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि किचन से जो मिलता है फूड वेस्ट जो है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स की जो पीलिंग होती हैं, ये सारा आता है गार्बेज में। और रबिश होता है वो सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि पेपर पीसेज हो गए, ब्रोकन क्रॉकरी हो गई, कार्डबोर्ड, फ्लास्क, फर्नीचर। तो अब नाइट सॉइल है ये बायोडिग्रेडेबल है तो ये ऑर्गेनिक सॉलिड में आएगा, रबिस बायोडिग्रेडेबल नहीं है, डेबिट्स भी नहीं है, गार्बेज है, तो 40 ये हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 75 टन।
ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए हैं कि सैनिटरी लैंडफिल में जो डिकम्पोजिशन और केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें कौन कौन से चेंजेस जो ऑप्शंस में दिए हैं वो सैनिटरी लैंडफिल में होंगे। तो सैनिटरी लैंडफिल एक बायोलॉजिकल मेथड है सॉलिड वेस्ट डिस्पोज करने का, जिसमें कि वेस्ट है वो स्टेबलाइज होता है एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक प्रोसेस से। एरोबिक में बैक्टीरिया और फंगी होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पर गैसेज जो बनती हैं इसमें जनरली होती हैं अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है तो CO2 और मीथेन है वो मेजर गैसेज होते हैं। अब फर्स्ट में दिया टेम्परेचर चेंज होगा, करेक्ट है। सेकंड में दिया H2S, CO, CO2, CHO4 ये गैसेज बनेंगी, ये भी सही है। थर्ड में दिया डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस, तो हाई टेम्परेचर होने के कारण जो पैथोजेंस है उनका डिस्ट्रक्शन होता है। फोर्थ में दिया प्रोडक्शन ऑफ अदर गैसेज लाइक SO2, NO2, तो ये गलत है। 1, 2, 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि बेंगलोर मेथड और इंदौर मेथड है सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के, ये कौन कौन सा है। तो बेंगलोर है ये तो एनएरोबिक मेथड है और इंदौर मेथड है ये एरोबिक मेथड है, तो डिफरेंट मेथड है दोनों, तो बी होगा, बेंगलोर मेथड इज एनएरोबिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए है कि नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो पायरोलिसिस को एक्सप्लेन करती है। तो सॉलिड वेस्ट को पायरोलिसिस के प्रोसेस में हीट किया जाता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ए क्लोज्ड कंटेनर में, ए होगा यहाँ पर आंसर, और इंसिनरेशन किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि रिफ्यूज जनरली क्या इंक्लूड नहीं करती है। तो जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसी को रिफ्यूज बोला जाता है। इसमें नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट होता है जो कंसिस्ट होता है गार्बेज और रबिश से। गार्बेज वो पार्ट है सॉलिड वेस्ट का जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि फूड वेस्ट। और रबिश जो है वो ऐसा मटेरियल है जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, जैसे ग्लासेस के टुकड़े, पेपर, क्लॉथ, वुड। अब रिफ्यूज क्या इंक्लूड नहीं करता है, तो रिफ्यूज है ये ह्यूमन और एनिमल एक्सट्रैक्ट इंक्लूड नहीं करता है, तो यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिए है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट में दिया है कि सॉलिड वेस्ट को डेंसिटी के बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं एयर क्लासिफायर में, तो ये तो आपने घर पे भी देखा होगा, राइस या वीट को अगर क्लीन करना है तो फैन चला के ऐसे हवा चलती है उसमें उसको गिराते हैं, तो हैवी वाले जो है ग्रेन्स वहीं गिर जाएंगे और उसमें जो भी लाइटर इम्प्योरिटीज होंगी वो आगे चली जाएंगे हवा के साथ में। बी में दिया है कि सॉलिड वेस्ट है उसकी उसमें आयरन की रिकवरी करी जा सकती है मैग्नेटिक सेपरेटर से। तो मैग्नेटिक सेपरेटर्स में मैग्नेट है, उसके आयरन चिपक जाएगा और अलग हो जाएगा। थर्ड में दिया है कि एल्यूमिनियम है उसका सेपरेशन हम कर सकते हैं एडी करंट सेपरेटर से। तो एल्यूमिनियम का किया जाता है एडी करंट सेपरेटर से, और कोई ऐसा वेस्ट है जिसमें कि फेरस और एल्यूमिनियम नहीं है उसको फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन में हम ग्लास को सेपरेट कर सकते हैं उसमें से। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 में दिए है कि नीचे जो मेथड्स दिए हैं इनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा मेथड है जो कि मोस्ट एफिशिएंटली एनर्जी को कंजर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ गैस और ऑयल। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने एक्सप्लेन किया कि पायरोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसमें ऑयल होता है, गैसेज होते हैं, कुछ सॉलिड्स हो सकते हैं जैसे चारकोल, और इनकी हाई एनर्जी वैल्यू होती है। इस मेथड में जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो इफेक्टिवली कंजर्व रहती है गैसेज में जो ऑयल से हमें मिल रहे हैं, तो पायरोलिसिस है वो बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए हैं कि कौन सा ऐसा इंडिया का डिपार्टमेंट है जो कि हैजार्डियस वेस्ट है उसको मैनेजमेंट का हैंडलिंग करने का काम करता है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में दिए हैं कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको एंड ऑफ द डे हम जब कवर करते हैं तो किससे करते हैं, तो ये कॉम्पैक्टेड सोइल से किया जाता है। कॉम्पैक्टेड सोइल है ये एज ए सील एक्ट करता है, तो ये फ्लाइज को, इंसेक्ट्स को, रैट्स को, इनको लैंडफिल में नहीं एंटर करने देता, तो ए हो गया।
24 में दिया है कि बेंगलोर और इंदौर प्रोसेस है कंपोस्टिंग के कौन कौन से हैं। तो काफी बार हम देख चुके हैं बेंगलोर होता है एनएरोबिक, इंदौर होता है एरोबिक, तो सी हो गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक सॉलिड वेस्ट सैंपल है जिसको सेग्रीगेट किया गया और एलिमेंटल एनालिसिस किया गया, तो उसमें ये मिला कि टोटल मास में 40% कार्बन है, 6% हाइड्रोजन है, 44% ऑक्सीजन है और 0.3% है वो नाइट्रोजन है। तो ये कौन सा वेस्ट कंपोनेंट है, किसका वेस्ट है? तो कार्बन और ऑक्सीजन का हायर परसेंटेज होता है फूड वेस्ट में। तो यहाँ पर कार्बन का 40% है और ऑक्सीजन का 44% है, मैक्सिमम इन्हीं का है, तो ए हो जाएगा फूड वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि जो ऑप्शंस में दिए हैं उनमें ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको हम सॉलिड का रूटीन कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो फिजिकल कंपोजिशन में इंक्लूड नहीं करते। तो फिजिकल कंपोजिशन में हम इंक्लूड करते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस को, मॉइस्चर कंटेंट को और डेंसिटी को, और केमिकल कंपोजिशन में इंक्लूड किया जाता है एनर्जी कंटेंट को और केमिकल कंटेंट को। तो मॉइस्चर कंटेंट, पार्टिकल साइज एनालिसिस, डेंसिटी, ये तो सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हो गए, और एनर्जी वैल्यू है ये केमिकल कंपोजिशन का है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए है कि नीचे जो ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सॉलिड वेस्ट को लैंड पर डिस्पोजल करने के कारण जो वाटर की पॉल्यूशन का इश्यू होता है ग्राउंड वाटर के, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट है प्रॉपर कंसोलिडेशन ऑफ वेस्ट टू रिड्यूस पोर स्पेसेस एंड परमेबिलिटी। तो जो वेस्ट हम लैंडफिल्स में डिस्पोज कर रहे हैं उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है प्रॉपरली, तो एक तो उसकी परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है पोर स्पेसेस रिड्यूस होने के कारण, और दूसरा जो एरिया रिक्वायर्ड है वो भी कम होता है फिर, तो ये करेक्ट है। सेकेंड में दिया है डिस्पोजल ओवर इम्परविस स्टाटा। तो कोई इम्परविस स्टाटा है इसके ऊपर अगर सॉलिड वेस्ट हम डंप कर रहे हैं तो लीचेट के नीचे मूवमेंट करके ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करने के कारण जो ग्राउंड वाटर के कंटामिनेशन का इश्यू होता है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इन्फिल्ट्री नहीं कर पाएगा लीचेट नीचे। थर्ड में दी है कि इम्परविस सॉइल है उसकी लेयर दे दी जाती है टॉप पे और साइड्स पे जो सॉलिड डिपॉजिटेड है उसमें। तो ये सॉलिड डिपॉजिटेड है, इसके टॉप पे अगर हम कवर कर देते हैं एक इम्परविस सॉइल से और साइड्स में दे देते हैं तो जो भी रेन वाटर है वो अंदर एंटर ही नहीं हो पाएगा, तो इसके कारण ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का जो चांसेस था वो कम हो जाएगा। तो तीनों ही करेक्ट है, आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 में दिए हैं कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से पायरोलिसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में दिया है कि इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है जो कि होता है ऑक्सीजन फ्री एटमोसफेयर में, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सेकेंड में दिया है कि टेम्परेचर 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड में दिया है कि इंटरनल हीटिंग के कारण जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाता है फिजिकली और केमिकली रादर देन बर्निंग। तो यही डिफरेंस होता है इंसिनरेशन और पायरोलिसिस में कि इंसिनरेशन में तो हमें एशेज मिलती है एंड प्रोडक्ट और कुछ हीट है जो रिलीज होती है, बट पायरोलिसिस में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बहुत यूजफुल होता है, उसमें गैसेज होती हैं, ऑयल होते हैं जिसकी एनर्जी कंटेंट हाई है, चारकोल मिल सकता है। फोर्थ में दिया है कि इट इज हाईली एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, इसमें तो हीट हम प्रोवाइड कराते हैं, तो फोर्थ है वो गलत हो गया, डी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि एक म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है जिसमें यहाँ पर ये वेट दिया हुआ है और ये ड्राई करने के बाद इसका वेट दिया हुआ है। फर्स्ट में फूड वेस्ट है, फिर पेपर है, फिर यार्ड वेस्ट है, फिर अदर्स है। अब हमसे पूछा है मॉइस्चर कंटेंट, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जब सॉइल्स में तो हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं तो MW/MS लेते हैं, मास ऑफ वाटर मास ऑफ सॉलिड्स। तो मास ऑफ सॉलिड्स में हम सिर्फ सॉइल का ही वेट लेंगे, वाटर का नहीं लेंगे, बट सॉलिड वेस्ट में मॉइस्चर कंटेंट को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि MW/Total M। तो अब यहाँ पे M लेंगे तो हम इस वाले का लेंगे, वेट वाले का, ना कि ड्राई वाले का, क्योंकि सॉइल में हम ड्राई वाले का लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम MS लेते हैं मास ऑफ सॉलिड्स, तो वाटर नहीं इंक्लूडेड होता है इसमें। अब तो काफ़ी सिंपल है ये, इनका सम करोगे टोटल तो आएगा 100, इनका करोगे तो आएगा 63। तो डिफरेंस किसके कारण था? वाटर के कारण, जो कि ओपरेट हो गया ड्राई करने पे। तो MW तो हो गया 37,
टोटल वेट है ये है 100 × 100, तो ये आ जाएगा 37%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें वेस्ट यूटिलाइजेशन किससे अचीव कर सकते हैं हम? तो तीन आर होते हैं यहाँ पर, एक होता है रिड्यूस कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए, एक होता है रीयूज़ कि जो भी ऐसे मटेरियल्स हैं दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनको रीयूज़ करें, और जो प्लास्टिक या इस टाइप के मटेरियल हैं उनको रिसाइकिल किया जाए। ईएससी 2020 में आया था ईएस के एग्जाम में, और यहाँ पर कोई ऑप्शन भी करेक्ट था नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि इकोलॉजी है, उसमें ऑटो इकोलॉजी किसकी साथ डील करता है? तो दो टर्म होती हैं, एक ऑटोकोलॉजी और एक सिंकोलॉजी। ऑटोकोलॉजी होता है ये स्टडी करता है एक पर्टिकुलर स्पेसीज की एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शंस, और सिंकोलॉजी में हम दो तीन स्पेसीज लेते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन, उनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, ये सब स्टडी करते हैं। इसीलिए सिंकोलॉजी को इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटीज भी बोला जाता है। ऑटोकोलॉजी होगा इंडिविजुअल स्पेसीज का स्टडी, तो डी होगा आंसर। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ही ऐड किया है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के रिगार्डिंग। ग्लोबल जो रैंकिंग है उसमें बरमूडा और यूएस टॉप करते हैं सॉलिड वेस्ट जनरेशन के बेसिस पे, जिसमें बरमूडा में था 4.54 केजी पर पर्सन पर डे, और वेस्ट में यूएस में था 2.24 केजी पर डे। और जो वेस्ट जनरेशन का ग्लोबल एवरेज है 0.74 केजी पर डे, इंडिया वेस्ट जनरेशन में ग्लोबल एवरेज से नीचे है, 0.54 केजी पर डे यहाँ पर पर्सन वेस्ट जनरेट किया जाता है, और प्रोजेक्टेड है कि 2050 तक 0.9 केजी पर डे हो जाएगा। एनुअली इंडिया में 277.1 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है। वेस्ट जनरेशन तो ग्लोबल एवरेज से कम है हमारा, इंडिया का 0.54 केजी ही है। जो भी हम जनरेट कर रहे हैं उनको उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 180 है। तो ये एक लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।